नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज अनिकेत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल न्यूज विद यूबी पे। दोस्तों आज है 5 फरवरी 2019 दिन मंगलवार। आज की तमाम खबरों को लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। दोस्तों आज की इन तमाम खबरों के लिए आप जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए इस न्यूज़ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों आज की सबसे पहली और विस्तृत खबर आपको बता दें कि धरने पर बैठी ममता बोली, जान दे दूंगी लेकिन समझौता नहीं करूंगी। या दोस्तों आपको बता दें कि शारदा चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता के मेट्रो चैनल पर धरना जारी है। रविवार रात से धरने पर बैठी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी धरना स्थल से ही निभा रही है। फिर चाहे सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार के बजट के लिए कैबिनेट की बैठक हो या पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम, इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अपनी जान दे देंगी लेकिन समझौता नहीं करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार पश्चिम बंगाल पुलिस के एक कार्यक्रम में कहा, इससे पहले एक टीएमसी के नेताओं को हाथ लगाया गया तब मैं सड़क पर नहीं उतरी, लेकिन इस लोगों ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर की कुर्सी को अपमानित करने की कोशिश की तो मुझे मैदान में उतरना पड़ा। बता दें कि इससे पहले बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी शारदा मामले में राजदार कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए धरने पर बैठी है। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि रविशंकर प्रसाद का ममता बनर्जी पर बयान, बोले आखिर राजीव कुमार ऐसा क्या जानते हैं जो ममता बनर्जी छिपाना चाहती है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाले को लेकर सीबीआई के एक्शन को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का तानाशाही रवैया बताकर धरने पर बैठे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्ष के तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के इस गठबंधन को भ्रष्ट लोगों का गठबंधन बताया है, जो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि संघीय ढांचा खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी पूछा कि भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है क्या, आखिर राजीव कुमार क्या जानना चाहते हैं जानते हैं जिसे छिपाने के लिए ममता बनर्जी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नारदा और शारदा घोटाला बीजेपी के सत्ता में आने से पहले का है, जिसकी सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस और वाम दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए जिसमें षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शामिल थी। प्रसाद ने याद दिलाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 8 मई 2014 को अपने ट्वीट में लिखा था कि 20 लाख लोगों का पैसा डूब गया जिसकी भर्त्सना करते हैं। दोस्तों अगली खबर कारोबार क्षेत्र से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीनी उत्पादन 8% बढ़ा, गन्ना किसानों का बकाया 20,000 करोड़। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि गन्ना पेराई सत्र 2018-19 यानी अक्टूबर से लेकर सितंबर के शुरुआती 4 महीनों में चीनी का उत्पादन करीब 8% बढ़ गया है। वहीं गन्ना किसानों का बकाया 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह जानकारी उद्योग संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने दी है। आपको बता दें कि इस्मा के मुताबिक शुरुआती 4 महीनों में चीनी का उत्पादन 185.19 लाख टन हो चुका है। देश भर में चालू 514 मिलों में यह उत्पादन हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के उत्पादन आंकड़े 171.23 लाख टन से 13.96 लाख टन यानी 7.5% अधिक है। वहीं 31 जनवरी 2019 तक गन्नों की कीमत का बकाया करीब 20,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस्मा के मुताबिक देश भर में चीनी का एक्स मिल रेट यानी जिस दर पर चीनी मिले डॉलर को चीनी बेचती है यानी 29 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो कि चीनी की उत्पादन लागत से करीब 5-6 रुपए प्रति किलोग्राम कम है। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल का दौर रहा। आपको बता दें कि सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद बाजार आखिरी घंटों में मजबूत हुआ। सेंसेक्स 113.3 अंक की बढ़त के साथ 36,582 के स्तर पर, जबकि निफ्ट 18 अंकों के से चढ़कर 10,912.25 अंक पर बंद हुआ। आपको बता दें कि कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 3.5% की तेजी रही। वहीं ONGC, कोटक बैंक और HDFC में भी बढ़त दर्ज की गई। जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गई उसमें इंफोसिस, हीरो मोटरकॉर्प, SBIN, HCL, वेदांता, कोल इंडिया, ACL, पेंट एंड टाटा मोटर्स, इंडस्ट्रेंड बैंक, बजाज फाइनेंस, L&T, ITTC, भारतीय एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल है। दोस्तों अगली खबर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है। वहीं डीजल के भाव में दो दिनों के
के बाद विराम के बाद फिर गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे सस्ता हुआ। पेट्रोल की कीमत में लगातार पांचवें दिन गिरावट आई है। वहीं देश की राजधानी में डीजल के भाव में 10 पैसे की कटौती दर्ज की गई। तेल विपणन कंट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली के अलावा मुंबई में 15 पैसे की कटौती की गई है, जबकि कोलकाता में 14 पैसे और चेन्नई में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती दर्ज की गई है। आपको बता दें कि डीजल के भाव कोलकाता और चेन्नई में 10 पैसे और मुंबई में 11 पैसे प्रति लीटर घट गए हैं। कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70.59 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं कोलकाता मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें घटकर क्रमशः 72.70 रुपये, 76.22 रुपये और 73.27 रुपये प्रति लीटर पर आ गई हैं। आपको बता दें कि डीजल की बात करें तो चारों महानगरों में भाव क्रमशः 65.61 रुपये, 67.39 रुपये, 68.70 रुपये और 69.31 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि दीवार पर अरे ट्रंप बोले, यूएस में इमरजेंसी घोषित करने के करीब हूँ। यह दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अवैध प्रवासियों की अमेरिकी सीमा में प्रवेश से रोकने के लिए देश की दक्षिणी मेक्सिको सीमा पर दीवार के लिए धन जुटाने के लिए वह नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के करीब पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अगर अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस से मंजूरी लिए बिना ही दीवार बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा देंगे और उन्हें आपदा राहत फंड का धन दीवार बनाने में खर्च करने के एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाएंगे। ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल CBS न्यूज के फेस द नेशन कार्यक्रम में कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी पर डेमोक्रेटिक सीनेटरों के साथ बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी है। ट्रंप ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी पर अड़ियल रुख अपनाने और घटिया राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि वह बहुत अड़ियल है, जिसकी मुझे आशा भी थी। मैं समझता हूं कि वह देश के लिए खराब है। उन्हें पता है कि आपको एक अवरोधक चाहिए। उन्हें मालूम है कि हमें शिक्षा सीमा सुरक्षा जरूरत है। फिर भी मूल रूप से वह खुली सीमा के पक्ष में है। उन्हें मानव तस्करी की तनिक भी परवाह नहीं है। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर पर बैन, तीसरे टेस्ट से हुए बाहर। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने उन्हें धोमी ओवर गति का दोषी पाया है। होल्डर अब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एटिंगा में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में धीमी ओवर गति का दोषी पाया गया है। होल्डर के स्थान पर अब क्रेग बेथवेट तीसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे। वह इससे पहले पिछले साल बांग्लादेश दौरे पर भी दो मैचों की वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी कर चुके हैं। तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच सेंट लूसिया में 9 फरवरी से खेला जाएगा। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि कुंभ मेला प्रशासन का दावा, अब तक 12.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले कुंभ को लेकर मेला प्रशासन द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि मकर संक्रांति से लेकर अब तक लगभग 12.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आपको बता दें कि मेला प्रशासन की विज्ञप्ति के मुताबिक कुंभ मेला 14 जनवरी 2019 को मकर संक्रांति पर्व के साथ शुरू हुआ और तब से लेकर लगातार श्रद्धालुओं और साधु संतों का मेले में आगमन और स्नान जारी है। 14 जनवरी से 2 फरवरी तक करीब 7.49 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मेला प्रशासन का दावा है कि 3 फरवरी से 4 फरवरी शाम 5 बजे तक लगभग 5 करोड़ लोगों ने सोमवती मौनी अमावस्या पर गंगा और संगम स्नान किया। विज्ञप्ति के मुताबिक सोमवार को रात्रि तक स्नान करने का सिलसिला जारी है और कुंभ पर्व पर अब तक लगभग 12.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। दोस्तों आपको अगली खबर बता दें कि भोपाल में 4 साल की बच्ची से किया था रेप, 7 महीने में सुनवाई पूरी, 2 मार्च को दोषी को होगी फांसी। या दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सतना की एक अदालत ने 4 साल की एक बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। रेप की यह घटना इतनी बर्बरतापूर्ण थी कि बच्ची को कई महीनों तक एम्स में इलाज से गुजरना पड़ा। अब दोषी शिक्षक महेंद्र सिंह गौंड को 2 मार्च को फांसी दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि दोषी शिक्षक को जबलपुर की जेल में फांसी दी जाएगी। हालांकि दोषी अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसले को बरकरार रखता है तो दोषी शिक्षक के पास राष्ट्रपति से भी दया की अपील करने का विकल्प है। लेकिन अगर इन दोनों जगहों पर उसकी अपील खारिज कर दी जाती है तो 2 मार्च को उसे फांसी की सजा मिलेगी। दोस्तों आपको पूरा मामला बता दें कि दोषी शिक्षक 30 जून 2018 की रात को बच्ची को अगवा करके जंगल में ले गया और उसी के साथ गलत काम किया। बाद में महेंद्र सिंह को लगा कि वह मर चुकी है और वह यह सोचकर उसने छोड़ दिया। परिवार वालों ने जब बच्ची की तलाश की तो बच्ची अधमरी हालत में उन्हें मिली। बाद में राज्य सरकार ने चार्टर्ड विमान से इलाज
के लिए बच्ची को एम्स में इलाज के लिए भेजा। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी किरण राव ने नेतृत्व में महेंद्र सिंह गौंड के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई और नागौरा की अदालत ने 25 सितंबर को महेंद्र सिंह गौंड को फांसी की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसले पर 25 जनवरी को मुहर लगा दी। बता दें कि इस आरोप और सजा के बीच केवल 7 महीने का अंतराल है और अगर 2 मार्च को महेंद्र सिंह गौंड को फांसी हो जाती है तो रेप के नए कानून के तहत यह पहली मौत की सजा होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो। ऐसे ही न्यूज़ वीडियो आप तक रोज पहुंचती रहे तो हमारे चैनल न्यूज़ विद यू को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ विद यू। तब तक के लिए।